गाइस, प्लेग को दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक महामारियों में से एक माना जाता है। इस बीमारी के चलते मीलों दूर तक के गांव एक ही दिन में शमशान बन जाया करते थे। और इसी बीमारी पर अशोबो स्टूडियोज कंपनी ने 2019 में लॉन्च किया गेम। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अ प्लेग टेल इनोसेंस गेम की। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को अ प्लेग टेल इनोसेंस गेम की हिंदी स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोग इस गेम को परचेस करना चाहते हैं या परचेस करने की सोच रहे हैं तो इस गेम का साइज लगभग 1700 रुपए के आसपास है। और अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो शायद से आप लोग को डिसीजन लेने में हेल्प भी मिलेगी कि इस गेम को परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। और कमेंट बॉक्स में अपने डिसीजंस आप लोग मेरे को एक बार जरूर बताना। फिलहाल आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो इस गेम की स्टार्टिंग होती है 1348 फ्रांस, जहां पर हमारे गेम की मेन प्रोटैगनिस्ट अमीसिया डेरोन, उसके पिता रॉबर्ट डेरोन और उसके डॉग लियोन के साथ हंटिंग ग्राउंड में शिकार के लिए जाते हैं। तभी एक बोर का पीछा करते हुए लियोन कहीं खो जाता है। अमीसिया उसे ढूंढने जाती है और ढूंढने पर लियोन एक अजीब से काले गड्ढे में बहुत ही दर्द में फंसा हुआ होता है। अमीसिया लियोन को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तभी एक अजीब सी चीज लियोन को गड्ढे में खींच लेती है, जिसके बाद जाहिर सी बात है लियोन मर जाता है। इसके बाद रॉबर्ट और अमीसिया दुखी हालत में और थोड़े डरे हुए भी घर आते हैं, जहाँ पर रॉबर्ट अमीसिया को उसकी मॉम के पास जाने को बोलता है और उस ब्लैक होल टाइप के गड्ढे के इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां जाने का प्लान करता है। अमीसिया इस इंसिडेंट को डिस्कस करने के लिए अपनी माँ बेट्रिस डेरून के पास जाती है, जो कि एक एल्केमिस्ट थी। ये वो लोग होते हैं जो कि एंशिएंट केमिस्ट्री को पढ़ा करते थे, क्योंकि अमीसिया का भाई यूगो बचपन से ही एक इलनेस यानी बीमारी के साथ पैदा हुआ था। इसीलिए बेट्रिस डेरून अपना ज्यादातर समय यूगो की बीमारी के लिए क्योर ढूंढने में लगाती थी। और जब अमीसिया लियोन की डेथ के बारे में अपनी मॉम को बता ही रही होती है, तभी बाहर कुछ अफरा तफरी के चलते उसकी मॉम उसे यूगो का ख्याल रखने के लिए बोलती है, और ये कहकर कि उसकी बीमारी कंटेजियस यानी संक्रामक नहीं है, वो वहां से चली जाती है। लेकिन अमीसिया यहाँ पर अपनी माँ की कही बात ना मानते हुए खिड़की से नीचे देखती है और वो देखती है कि एक अजीब सा सोल्जर जैसा आदमी उसके पिता से यूगो के बारे में पूछता है और जवाब ना देने पर वो उसके डैड को मार देता है। यहाँ पर इस स्ट्रेंज मैन की बात की जाए तो इसका नाम लॉर्ड निकोलस है, जो कि एक बहुत ही बड़ी पोस्ट पर है इंक्विजिशन नाम की एक कैथोलिक रिलीजियस स्कल्ट में, जो कि खुद कैथोलिक चर्च के लिए काम करती है। रॉबर्ट की डेथ के बाद निकोलस अपने गार्ड्स को यूगो को ढूंढने का ऑर्डर देता है, पर क्योंकि अमीसिया ने सब सुन लिया होता है, वो यूगो को साथ लेकर गार्ड से बचकर घर के बाहर तक पहुंचती है, जहां पर उनको उनकी माँ बेट्रिस डेरून मिलती है, जिसके बाद तीनों ईस्टेड की मेन एग्जिट तक जाने की कोशिश करते हैं, जहां पर यूगो को कई हेडेक्स भी होते हैं, बट जैसे तैसे वो उनसे निपट लेता है। फाइनली तीनों ईस्टेड के एग्जिट तक पहुंचते हैं, जहां पर अपने एक सर्वेंट की हेल्प से वो वहां से एस्केप करने जा ही रहे होते हैं कि तभी उन पर एक सडनली अटैक हो जाता है। पर अटैक से पहले बेट्रिस अमीसिया को डॉक्टर लॉरेंटियस के पास जाने को बोलती है, जिसके साथ वो यूगो की बीमारी के लिए क्योर बना रही थी, जिसके लिए उन्हें बस आगे आने वाले रिवर को फॉलो करना है। इसके बाद बेट्रिस मेन एग्जिट डोर बंद कर देती है ताकि एस्केप करने के लिए यूगो और अमीसिया को थोड़ा समय मिल सके। अमीसिया जैसे ही अपनी मॉम को बचाने के लिए डोर के पास जाती है, तभी उस दरवाजे को चीरती हुई एक खून से सनी हुई तलवार अमीसिया के बगल से निकल जाती है। और क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो लॉरेंटियस तक पहुंचने के लिए आगे आने वाली रिवर को फॉलो करते हैं। इसके बाद वो दोनों इंक्विजिशन के सोल्जर से बचने के लिए रिवर में जंप कर देते हैं और रिवर उन्हें बहाकर एक विलेज के पास ले आती है, जहाँ पर वो देखती है कि ये विलेज वाइट नाम की एक महामारी का शिकार है। आगे चलकर उन दोनों को कई सारे विलेजेस भी मिलते हैं जो कि बाइट्स इन्फेक्टेड लोगों को जिंदा जला रहे हैं, जहां पर ये विलेजेस अमीसिया और यूगो को ही इस महामारी का कारण बताते हुए उन दोनों पर हमला करते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों भागते हैं, तभी क्लर्वी नाम की एक ओल्ड वुमेन उन दोनों को अपने घर में छिपा लेती है,
जहाँ पर अमीशिया क्लर्वी से डॉक्टर लोरेंटियस के बारे में पूछती है, पर क्लर्वी यहाँ पर अमीशिया को ये बात विलेज चैपल के मॉन्क से जाकर पूछने को बोलती है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ ह्यूगो के बार बार अपनी मॉम के बारे में पूछने पर अमीशिया उसको सच्चाई बता देती है कि उनके पेरेंट्स अब मर चुके हैं, जहाँ पर ह्यूगो अमीशिया से नाराज होकर उसे झूठी कहकर वहाँ से भाग जाता है। जहाँ पर ह्यूगो को बचाने के लिए अमीशिया उसके पीछे जाती है और जब विलेजर्स ह्यूगो को पकड़ लेते हैं तब ना चाहते हुए भी अमीशिया को उन विलेजर्स को मारना पड़ता है। ह्यूगो को बचाने के बाद वो दोनों चैपल में एंटर करते हैं जहाँ पर वो दोनों फादर थॉमस से मिलते हैं, जहाँ पर फादर थॉमस बताते हैं कि लोरेंटिस उन्हें अपने फार्म पर ही मिलेगा जिसका रास्ता चैपल की एक क्रिप्ट से भी निकलता है। रास्ते में फादर उन दोनों को रैट्स के बारे में भी बताते हैं जिन्होंने प्लेग फैलाया है, और वो ये भी बताते हैं कि रैट्स सिर्फ रोशनी से ही डरते हैं। इसके बाद क्रिप्ट की एंट्रेंस पर ही फादर अपनी टॉर्च अमीशिया को दे देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि तकरीबन हजारों की तादाद में भूखे चूहे फादर पर अटैक करते हैं और उनका क्रियाकर्म कर देते हैं। अब क्योंकि फादर ने लास्ट टाइम पे अपनी टॉर्च अमीशिया को दी थी और क्योंकि ये चूहे लाइट से डरते थे, इसके बाद अमीशिया और ह्यूगो अपने आप ही क्रिप्ट से बाहर जाने का रास्ता देख लेते हैं और फाइनली जाकर वो क्रिप्ट से बाहर निकलते हैं, जिसके बाद इंक्विजिशन के सोल्जर से बचते हुए वो दोनों फाइनली लोरेंटियस के फार्म पहुंचते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि लोरेंटियस खुद प्लेग से इन्फेक्टेड है और अब उसकी देखभाल उसी का अप्रेंटिस ल्यूकस कर रहा है। इसके बाद अमीशिया इंक्विजिशन और अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में लोरेंटियस को बताती है, जहां पर लोरेंटियस ह्यूगो की तरफ इशारा कर बताता है कि वो ह्यूगो के वजह से आए थे। लोरेंटियस यहाँ पर बताता है कि ह्यूगो की ब्लड लाइन में एक एंशिएंट इविल रन कर रहा है जिसका प्रोसेस पहले तो बेट्रेस देरून और लोरेंटियस ने साथ काम कर कम कर दिया था। अब ह्यूगो को बचाने के लिए लोरेंटियस अमीशिया को शेटाउडी ओम्ब्राज जाने के लिए कहता है। शेटाउडी ओम्ब्राज यहाँ पर एक अबेंडेंट कासल है जो कि पहले अमीशिया की फैमिली का ही था। ह्यूगो के लिए उस क्योर को बनाने के लिए लोरेंटियस ल्यूकस को उनके साथ जाने को बोलता है, लेकिन जाने से पहले लोरेंटियस ल्यूकस को उनकी लैब में जाने को बोलता है, जहां पर ल्यूकस अमीशिया को एक इग्निफर नाम का सब्सटेंस क्रिएट करना सिखाता है जो कि किसी भी बुझी हुई चीज को दोबारा बर्न कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत हाई पॉपुलेशन में रैट्स उस फार्म हाउस को तबाह कर देते हैं, जिनसे बचते हुए ल्यूकस अमीशिया और ह्यूगो बोट के सहारे वहां से एस्केप कर जाते हैं। इस जर्नी के दौरान ल्यूकस अमीशिया को बताता है कि ह्यूगो के ब्लड में एक सुपर नेचुरल इविल है जिसका नाम है प्रीमिया मैक्यूला, जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होता रहता है, जो कि प्लेग के वजह से कुछ नोवल फैमिलीज के ब्लड लाइन्स में आ गया था। और यहाँ पर अमीशिया और ह्यूगो भी एक नोवल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। इसके बाद शटाउडी ओम्ब्राज जाने के लिए ये तीनों ही एक बैटलफील्ड एरिया को क्रॉस करते हैं। इस एरिया को क्रॉस करते हुए उन्हें आर्थर और मेली नाम के दो थीव्स दिखते हैं जिन पर एक इंग्लिश सोल्जर अटैक करने वाला था, बट किसी तरीके से वो दो थीव्स और ल्यूकस तो वहां से बच जाता है, बट अमीशिया और ह्यूगो को ये सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। बट आगे चलकर वो दो थीव्स अमीशिया को बचाने आते हैं और मेली की हेल्प से अमीशिया ह्यूगो को भी बचा लेती है। बट जब वो तीनों वहां से एस्केप कर रहे होते हैं तभी लॉर्ड निकोलस और उसके गार्ड्स आकर उनको ढूंढ लेते हैं, जहां पर आर्थर की हेल्प से वो तीनों फाइनली सक्सेसफुली एस्केप कर जाते हैं, लेकिन इस बार ये गार्ड्स आर्थर को पकड़ लेते हैं। इसके बाद ये तीनों मेली के हाइड आउट जाते हैं, जहाँ पर थोड़ी ही देर बाद इंक्विजिशन इन्हें दोबारा से ढूंढ लेती है, जहाँ पर ये उन गार्ड्स को डिफीट कर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर ही उन्हें ल्यूकस भी मिलता है। और अब वे सब शटाउडी ओम्ब्राज जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जिसके बाद अमीशिया ह्यूगो मेली और ल्यूकस फाइनली जाकर शटाउडी ओम्ब्राज पहुंचते हैं, जहां पर अमीशिया और ल्यूकस देखते हैं कि दिन ब दिन मैक्यूला ह्यूगो की बॉडी में फैलता जा रहा है, जहां पर ल्यूकस अमीशिया को सैंग्यूनिस इटिनेरा नाम की एक बुक के बारे में बताता है जिसकी मदद से वो वैसा ही क्योर बना सकता है जैसा कि बेट्रिस देरून और लोरेंटियस ने बनाया था,
ह्यूगो के ब्लड से उस मैक्यूला का प्रोसेस स्लो डाउन करने के लिए, जहां पर ल्यूकस बताता है कि वो बुक इनक्विजिशन की हेडक्वार्टर की एक लाइब्रेरी में है, क्योंकि मेली का भाई आर्थर भी इनक्विजिशन के ही कब्जे में था। तो मेली और अमीसिया दोनों ही उस बुक को लेने के लिए और आर्थर को छुड़ाने के लिए इनक्विजिशन के हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं, जहां पर वो देखती है कि इनक्विजिशन भी सीक्रेट बुक सैंग्विनिस इटिनेरा को ही ढूंढ रहे होते हैं। और तभी इनक्विजिशन के किंग विटालिस बेनिवेंट के सामने एक ब्लैक स्मिथ के बेटे को लाया जाता है, जिसका नाम रॉड्रिक है। और तभी पता चलता है कि ये बुक एक वॉल के पीछे है, जिसको सिर्फ रॉड्रिक ही खोल सकता है, क्योंकि उसने और उसके डैड ने ही इस वॉल को बनाया था। अब सोल्जर्स रॉड्रिक को लेकर उस वॉल को खुलवाने जाते हैं, और तभी अमीसिया भी उन सोल्जर्स का पीछा करती है, जहां वॉल तक पहुंचने के बाद अमीसिया उन सोल्जर्स पर हमला कर रॉड्रिक को बचा लेती है। उसके बाद अमीसिया के कहने पर रॉड्रिक उस वॉल को खोल देता है, और फाइनली अमीसिया को वो बुक मिल जाती है। पर तभी वहां पर विटालिस बेनिवेंट आ जाता है, जो बताता है कि वो ह्यूगो की ब्लड लाइन में मौजूद मैक्यूला का यूज कर फ्रांस में राज करना चाहता है। पर तभी अमीसिया और रॉड्रिक दोनों यहां से भागने की कोशिश करते हैं, और फाइनली वो सक्सेसफुली पहुंचते हैं ल्यूकस के पास, जहां वो देखते हैं कि मैक्यूला की वजह से ह्यूगो की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है, जहां पर ल्यूकस बताता है कि उसको क्योर बनाने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जहां पर अमीसिया ल्यूकस को उनकी मॉम बेट्रेस की लैब में जाने को सजेस्ट करती है। इसके बाद मेली भी आर्थर को इनक्विजिशन के कब्जे से छुटाने में कामयाब हो जाती है, जहां पर आर्थर ये बताता है कि उनकी मॉम बेट्रेस देरोन मरी नहीं है, बल्कि इनक्विजिशन की कस्टडी में है, जहां पर अमीसिया ये बात ह्यूगो से छिपाने को कहती है, क्योंकि अगर ये बात ह्यूगो को पता चल गई तो वो अपनी मॉम से मिलने की जिद करेगा। पर उस समय ह्यूगो इस सारी कन्वर्सेशन को सुन लेता है, जिसके बाद अमीसिया और ल्यूकस अमीसिया के फैमिली ईस्टेट पहुंचते हैं, जहां पर अमीसिया को याद आता है कि उसकी मदर ने उसे एंशिएंट रोमन रूइंस जाने से मना किया था, और हो सकता है वहीं पर ही वो लैबोरेटरी भी हो। और फाइनली एंशिएंट रोमन रूइंस पहुंचने के बाद उन्हें वो लैबोरेटरी मिल जाती है, और अब सभी सूटेबल इक्विपमेंट्स को यूज कर फाइनली ल्यूकस क्योर बना लेता है। इस क्योर के पूरा होने के बाद वो दोनों वापस शटाउडी ओम्ब्रास जाते हैं, और वहां जाकर वो ह्यूगो को इस क्योर से ट्रीट करते हैं। बट इन द नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ह्यूगो उस कासल को छोड़कर जा चुका होता है, जिसके बाद अमीसिया उसे ढूंढने जाती है, जहां पर उसे कुछ इल्यूजन्स आते हैं और कहानी ह्यूगो पर शिफ्ट हो जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि ह्यूगो अपनी मदर को बचाने के लिए इनक्विजिशन के पास जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि इनक्विजिशन का एक आदमी ह्यूगो की बॉडी से ब्लड निकाल कर विटालिस की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, क्योंकि विटालिस शुरू से ही मैक्यूला की पावर को यूज कर फ्रांस पर राज करना चाहता था। पर क्योंकि लास्ट नाइट ही अमीसिया ने वो क्योर ह्यूगो को दे दिया था, इसलिए विटालिस पूरी पावर को मैक्यूला की यूज नहीं कर पाता, जहां पर दूसरी तरफ ह्यूगो इसी कासल में अपनी मॉम को ढूंढकर फ्री कराता है, जहां पर उसकी मदर ये बताती है कि प्रीमिया मैक्यूला उसकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, जिसके जरिए वो इन रैट्स को कंट्रोल कर सकता है, और इसी पावर को यूज कर ह्यूगो और बेट्रेस वहां से भागने की कोशिश करते हैं। पर तभी वहां विटालिस आ जाता है, जो कि रैट्स से इन दोनों के ऊपर हमला करवाता है, जिसके चलते ह्यूगो ओवर पावर हो जाता है और विटालिस दोबारा से बेट्रेस को बंदी बना लेता है। इसके बाद कहानी दोबारा अमीसिया पर शिफ्ट हो जाती है, जो कि पिछले 3 दिन से बेहोश थी, जहां पर बाकी सब अमीसिया को बताते हैं कि ह्यूगो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिला है, और मुश्किल से ही सही अमीसिया इस सच को एक्सेप्ट कर लेती है कि ह्यूगो को उसने अब हमेशा के लिए खो दिया है। इस इंसिडेंट के 1 महीने बाद रैट्स का एक बहुत बड़ा झुंड शटाउडी ओम्ब्रास पर अटैक कर देता है, जहां पर ये पता चलता है कि इन रैट्स को ह्यूगो ही कंट्रोल कर रहा है, और लॉर्ड निकोलस भी उसके साथ है, जो कि अमीसिया को मारने के लिए आया है, जिनसे बचकर ये लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। पर निकोलस और ह्यूगो उनको ढूंढ लेते हैं, और निकोलस यहाँ पर ह्यूगो को अमीसिया को मारने के लिए ऑर्डर देता है, और क्योंकि ह्यूगो भी अमीसिया से नाराज था, क्योंकि उसने उनकी मदर के जिंदा होने की बात ह्यूगो से छिपाई, वो उस पर हमला करता है।
बट अमीसिया यहाँ पर ह्यूगो को मना लेती है ये कहकर कि उसने ये बात उसके भले के लिए छिपाई थी। लेकिन इस दौरान निकोलस धोखे से आर्थर पर हमला करके उसको मार देता है, जिसके बाद वो अमीसिया को भी मारने की कोशिश करता है। बट यहाँ पर ह्यूगो अपनी पावर से लॉर्ड निकोलस का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। बट यहाँ आर्थर की मौत से इन सभी को, खासकर मैली को, बहुत दुख होता है, जिसके बाद वो सभी फाइनली विटालिस को मारने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए वो कैथीड्रल जाते हैं जहाँ पे विटालिस ने बेट्रिस को कैद कर रखा है। रास्ते में अमीसिया और ह्यूगो को बचाते हुए ही रॉड्रिक को तीर लग जाता है, जहाँ पर वो सक्सेसफुली अमीसिया और ह्यूगो को कासल के पास तक तो पहुँचा देता है, बट थोड़ी ही देर में वो मर जाता है। जिसके बाद अपनी रैट्स की सेना को लेकर ये लोग विटालिस तक पहुँचते हैं। यहाँ पर विटालिस ने मैक्यूला पर पूरी तरह काबू पा लिया है और अब उसके पास हजारों की संख्या में वाइट रैट्स हैं, जो कि सिर्फ उसी के इशारों पर चलते हैं। उसके बाद विटालिस के वाइट रैट्स और ह्यूगो के ब्लैक रैट्स के बीच फाइट होती है, जिसमें विटालिस हार जाता है और फाइनली ह्यूगो और अमीसिया अपनी माँ बेट्रिस को भी छुड़ा लेते हैं, जिसके 3 दिन बाद व्हाइट रैट्स ब्लैक रैट्स नाम के सारी बला खत्म हो जाती है और उसी के साथ ये प्लेग भी खत्म हो जाता है। जिसके बाद मैली भी अमीसिया के ग्रुप को छोड़कर चली जाती है और इसके साथ ल्यूकस, अमीसिया और ह्यूगो अपनी माँ बेट्रिस के साथ एक नए घर की तलाश में निकल पड़ते हैं, जिसके बाद गेम की मेन स्टोरी का एंड हो जाता है।